सो गाइस आज के गेम प्ले में मैं चलाने वाला हूँ DBS, वो भी क्लोज रेंज में। काफी ज्यादा मजा आने वाला भाई DBS को यूज करके। और कुछ बंदे ना इस वाले गेम प्ले में यार अपग्रेडेबल गन लेके आए थे, खैर गाइस उनको भी पेलेंगे, लेकिन उससे पहले इसको पेलते हैं। अब यहाँ पे गाइस बंदा ना DBS की आवाज सुन के भाई डर जाता है और भाई TPP ले रहा है अंदर बैठ के। सो भाई रश करते हैं इस वाले बंदे पे। सो यहाँ पे गाइस इस वाले बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और गाइस फिनिश करने के लिए मैं अंदर आता हूँ। लेकिन यार जैसे यहाँ पे आता हूँ ना, मेरे को पीछे से एक और बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो भाई रेडी हो जाता हूँ मैं उसके लिए। मेरे को लगा इसका टीममेट होगा। लेकिन गाइस ये तो यार बॉट था, तो इस बॉट को मैं फिनिश कर देता हूँ। और गाइस अब चलते हैं उस वाले बंदे की तरफ जिसको मैंने नॉक किया था, और इसको यार फिनिश करेंगे इसके पैर पे गोली मार के, क्योंकि यार मेरे को इसकी वेस्ट हेलमेट चाहिए थी। और गाइस यहाँ पे ना मैं बॉट के कपड़े चुला रहता हूँ, क्योंकि यार काफी बढ़िया कपड़े लग रहे थे मेरे को, तो इसके कपड़े मैं ले लेता हूँ। और गाइस मैं आगे की तरफ आता हूँ, लेकिन यार दो बंदों के यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं, तो भाई निपटाते हैं इसको। अगर कोई बंदा आप पे रश कर रहा है ना और आपके हाथ में भाई DBS है, तो भाई 99% चांस ये होते हैं कि आप लोग भाई जीत जाओगे। 1% हारने का होता है तब जब आप लोगों के पास भाई डिवाइस अच्छा ना हो, या फिर यार आपको DBS चलानी ना आती हो। खैर यहाँ पे गाइस मैं वेट कर रहा था कि क्या पता लास्ट वाला बंदा आ जाए अपने टीममेट को बचाने के लिए, लेकिन जब आता नहीं है बंदा, तो भाई मैं इस वाले बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और गाइस मेरे गेम में ना ये जॉट इज लाइव करके कोई बंदा आया था, जो कि यार काफी तगड़ी तगड़ी स्किन लेके आ रखा था। इसके पास कई सारी गन की स्किन थी यार, जो न्यू वाली M762 है ना वो भी थी। अगर गाइस ये कोई यूट्यूबर है तो मेरे को भाई कमेंट में बताना कि भाई कौन सा वाला है ये। खैर यहाँ पे यार एक बंदा ना प्रिजन में कैम्प कर रहा था, तो भाई इसको पकड़ते हैं। खैर गाइस यहाँ पे मैं इस वाले बंदे को फिनिश करके जोन के अंदर जाता हूँ। लेकिन गाइस जो जॉट इज लाइव था ना, इतनी देर से अपनी गन की स्किन चमका रहा था, इसको यार कोई ग्लेशियर वाला मार देता है। अब गाइस ये जो ग्लेशियर वाला है ना, इसको भाई मैं पेलने वाला हूँ, काफी मजा आएगा भाई देख के आप लोगों को। और गाइस लास्ट जोन में ना भाई 9 ही बंदे अलाइव है, और गाइस 9 में से ना 8 बंदों को मैं पेलने वाला हूँ, जिसमें से गाइस ये ग्लेशियर वाला भी एक है, तो भाई देखो कितना ज्यादा मजा आएगा अब। सो यहाँ पे गाइस मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब गाइस जो बाकी टीममेट्स है इस वाले बंदे के, उनके पास यार ड्रॉप की गन है भाई, एक पे ग्रोज है, एक MK चला रहा है, और भाई देखो यार DBS कितनी खतरनाक है। सो इस वाले स्क्वाड को तो गाइज मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन जो ग्लेशियर वाला बंदा है ना, वो मेरे टीममेट को यार पूरा ही फिनिश कर देता है। सो गाइज उसकी बारी अब। सो इस वाले बंदे को गाइस मैं एक हेडशॉट दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यार निकलते हैं इस वाली जगह से, क्योंकि यहाँ पे फाइट लेना यार थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा था मेरे को। तो इस वाले डब्बे पे आता हूँ मैं स्मोक उठाने के लिए, क्योंकि मेरे को अपनी गाड़ी निकालनी थी भाई, ऊपर फंस रही थी गाड़ी, और बंदे के पास यार एंगल था, तो मेरे को स्मोक चाहिए थे यहाँ पे। और मैं सोच रहा था यार यहाँ से मेरे को कोई क्या पता एंगल वैंगल मिल जाए, लेकिन गाइस यहाँ से कोई एंगल नहीं था। सो गाइस पीछे चलते हैं जरा, जहाँ से मेरे को एंगल मिल रहा था। गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई इस वाले किल के लिए। बंदे को भाई क्या ही स्प्रे पड़ता है यार, दो गोली पड़ती है और दोनों हेडशॉट। खैर गाइज यहाँ से मैं निकल के जा ही रहा था, लेकिन कुछ बंदे यार फायरिंग करते हैं पीछे से, तो भाई उन बंदों के लिए मैं गाड़ी घुमाता हूँ। लेकिन गाइज जैसे यहाँ पे मैं गाड़ी घुमाता हूँ ना, मेरे को यार पिछले वाले गेम प्ले का सीन याद आ जाता है, और भाई पिछले वाले गेम प्ले में ना मेरे साथ ये हुआ था। भाई ऐसा सीन फिर से ना हो जाए, इस बात का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। सो गाइस सबसे पहले तो अपनी गाड़ी में कवर में लगाता हूँ।
सो गाइस यहाँ पे एक बंदे को मार के ना मैं तुरंत जोन में निकल लेता हूँ, क्योंकि यार मेरे को नहीं पता वहाँ पे कितने बंदे लेट हैं, सांप बने हैं। सो भाई वहाँ पे फाइट लेना तो बेकार ही था, ऊपर से भाई पूरा ओपन ग्राउंड था, वहाँ पे मेरे लिए कोई कवर नहीं था, इसलिए गाइस जोन में चलते हैं। सो यहाँ पे गाइस मैं स्क्वाड हाउस के ऊपर लेट ही रखा था, इतने में यार एक यूएच की मेरे को आवाज़ आती है पीछे से, तो भाई चलते हैं देखने। सो गाइस फिनिश कर देते हैं इन दोनों बंदों को यहाँ पे। अब गाइस लास्ट वाला बंदा बच चुका है जिसको मैं काफी देर से ढूंढ रहा था। अब बंदा यार खुद ही अपनी लोकेशन बता देता है, तो भाई चलते हैं इस पे रश करने। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।